Hello everyone, namaste all of you. This is Varsha Roga again in front of you with another topic of modern history of India. So the topic of today is formation of Indian National Congress, the grand old party of India. Indian National Congress ka formation kaise hua, aaj hum janenge. कांग्रेस की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में इमेज आती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। तो क्वेश्चन उठता है, क्या इनके सक्सेसर्स रिस्पॉन्सिबल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए, या हमारे पॉपुलर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे? अगर ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो हु आर द वंस हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट? इसके अलावा क्या पॉपुलर व्यू है कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए? अगर आपको ये सब जानना है तो डू वॉच द लेक्चर टिल द एंड। बट बिफोर वी बिगिन आवर लेक्चर, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अभी जल्दी से एक थम्स अप दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और क्वेरीज दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेल मी ऑन varsharoga1300@gmail.com। सो लेट्स डिस्कस बैकग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी से पहले क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था इंडिया में जिसकी वजह से हमें एक नीड क्रिएट हुई कि हमें नेशनलिस्ट पार्टी चाहिए? कांग्रेस से भी पहले बहुत सारे एसोसिएशन वर्क कर रहे थे इंडिया में, बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग एसोसिएशन थे, लाइक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बंगाल में, पूर्ण सार्वजनिक सभा पुणे में, ऐसी ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी। इस पर मैंने एक पूरा लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर 4 ऑन प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, डू वॉच इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। उसमें मैंने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की है। इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रॉब्लम था कि ये नेशनलिस्ट एजेंडा के साथ तो बॉन्ड हुई थी, इनका एंटी ब्रिटिश कैंपेन था बिगनिंग में, बट आफ्टर सम टाइम दे कन्फाइंड देमसेल्व्स इन द स्मॉलर इश्यूज, बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज में ये फंस के रह गए। छोटे इश्यूज की जमीन के ऊपर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन सुलझा रहे हैं, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरा दूध किसने पी लिया, मेरी चाय किसने ले ली, दो घरों में झगड़े हो रहे हैं, दो जमींदारों में झगड़े हो रहे हैं, तो ये सारे झगड़ों में ये फंस के रह गए। मोर ओवर ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी तो ये पैन इंडिया कैंपेन क्रिएट नहीं कर पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनका कोई से नहीं था क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी प्लानिंग बहुत ही वीक थी। सेकेंड इज प्री कांग्रेस कैंपेन्स। उस टाइम इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि वो हमसे ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज ले कॉटन में, क्योंकि हम अपनी टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करना चाहते थे। सेकेंड, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। हम चाहते थे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा इंडियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले जिससे कि हमारा इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग हो जाए और हमारा दबदबा हो जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में। So third is against reduction in maximum age for appearing in Indian civil services. Indian civil services में appear करने के लिए Indians की maximum eligibility age थी 21 years. पर सेल्सबरी ने आके 21 years से 19 years तक कर दी Lord Lytton की supervision में। तो इसके against भी हम fight कर रहे थे कि 19 years तो बहुत कम है। 19 ईयर्स में तो थोड़ी समझदारी आती है और आप कह रहे हो कि इस एज में ही हम क्रैक कर दें, उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सिविल सर्विसेज में अपेयर करने की। फोर्थ था अगेंस्ट लिटन्स अफगान एडवेंचर। लिटन अफगान को कैप्चर करना चाहते थे, इन्वेड करना चाहते थे, उधर वॉर्स कर रहे थे, तो हम इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से फाइट करने लगे क्योंकि जितना भी कॉस्ट था हमें पे करना पड़ रहा था इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज थे उस टाइम पे जो हमें प्रॉब्लम कर रहे थे, लाइक वी वांटेड टू गेट एडमिशन इनटू वॉलंटियर कॉर्प्स ऑफ ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स हमें दे नहीं रहे थे। हमने उस टाइम नेशनल फंड भी क्रिएट करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, पैसा तो चाहिए ना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे उस टाइम पे, आई एम ओनली मेंशन फ्यू हियर। वेरियस एक्ट्स एंड लॉज।
तीन चार एक्ट्स और लॉज ऐसे क्रिएट किए गए जिन्होंने आग में घी डालने का काम करा। फर्स्ट वाज आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। इसने रिस्ट्रिक्ट करा कि इंडियंस अब आर्म्स और वेपन्स नहीं रख सकते अपने प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंड वॉज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इट वॉज अगेंस्ट आर लोकल न्यूज पेपर्स की, लोकल न्यूज पेपर्स की फ्रीडम को ब्रिटिशर्स कम करना चाहते थे, तो ये एक्ट उसके लिए था। हम सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं, एक्ट के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगी। फॉर द सिलबोर्ड बिल ऑफ 1883-1884, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय अ ब्रिटिश लॉयर नेम्ड इल्बर्ट। एक्चुअली इट वाज सजेस्टेड बाय हिम, दैट्स व्हाई द नेम इल्बर्ट। उन्होंने सजेस्ट करा कि इंडियंस इंडियन मजिस्ट्रेट्स हैं, अब उनको अलाउ किया जाए कि यूरोपियंस के ट्रायल केसेस ले सके, ऐसे केसेस का ट्रायल कर सके जिसमें यूरोपियन मैन, इंग्लिश मैन और इंग्लिश वेमेन इन्वॉल्व हो। कुछ ब्रिटिशर्स थे जो हमारे भले के लिए सोचते थे, पर मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट इंडियंस। तो अल्टीमेटली ये इल्बर्ट बिल फेल हो गया और इसके अगेंस्ट हमने कैंपेन स्टार्ट कर दिया। फोर्थ वॉज इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब 1859 कहाँ और 1885 कहाँ? एक्ट से परेशान होके 1881 और 1882 में इसके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट होने लगे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर्स थे अपनी फील्ड से बाहर नहीं निकल सकते परमिशन के बिना। उस टाइम क्या होता था कि लोगों को अपने एरिया से ले जाके किसी दूर प्लांटेशन फील्ड में लगा दिया जाता था काम पे। अब उनको परमिशन नहीं दी जाती थी कि वो अपने विलेज से, अपने होम टाउन से कोई भी लिंक रख सके या उधर विजिट कर सके। तो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट में ये स्ट्रिक्ट लॉज थे जिसके अगेंस्ट हम कैंपेन कर रहे थे। इन सभी एक्ट्स और लॉज ने आग में घी डालने जैसा काम किया। इंडिया में पॉलिटिकल अवेकनिंग, पॉलिटिकल अवेयरनेस वैसे ही हो गई थी। हम बहुत सारे एंटी ब्रिटिश कैंपेन्स चला रहे थे, बहुत सारी एसोसिएशंस ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही थी। साथ ही इन्होंने जैसे डंडे का काम किया, ऐसे लगा कि अब तो ब्रिटिशर्स का अत्याचार हम सह नहीं पाएंगे और हमें एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो हमारी पॉपुलर डिमांड्स ब्रिटिशर्स के आगे रख सके, हमारे खुद के लीडर्स हों उसमें। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड ऑन 28 दिसंबर 1885। इससे पहले हमारे जो लोकल लीडर्स थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अदर लीडर्स आनंदा मोहन घोष, उन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी जिसका भी रिजल्ट माना जाता है कि 1885 में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कनेक्ट हुए और ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जाता है AOU का। इट इज सेड दैट इट वॉज फॉर्मड बाय AOU, अ रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट। इन्होंने उस टाइम के इंटेलेक्चुअल्स को मोबिलाइज किया, कलेक्ट किया और हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करी। इट वॉज प्लान टू बी हेल्ड इन पुणे, पर हैजा फैलने की वजह से पुणे से बॉम्बे इसका सेंटर शिफ्ट कर दिया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। सो द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड बॉम्बे इन 1885 इन द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। The first session was attended by 100 people, out of which 72 were the members. 72 members थे जिन्होंने elect किया अपना एक president, वोमेश चंद्र चैटर्जी। He was an Indian. ये सारी happenings, All India Conference का होना, formation of Indian National Congress by a English civil servant, ये सारे किसके supervision में हो रहा था? Lord Dufferin के। Lord Dufferin का time period था 1884 to 1888 और 1885 में Congress form हुई थी। अब पूरे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट ने बनाया। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन आया होगा आपके मन में, दैट व्हाई नॉट एन इंडियन लीडर? क्या हम कैपेबल नहीं थे अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए? और अगर हम में इतना कैलिबर था तो हमने ब्रिटिशर्स का क्यों सपोर्ट लिया? और फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स ने हमें क्यों सपोर्ट करा INC फॉर्म करने के लिए? उनका क्या इंटरेस्ट रहा होगा? क्या वो हमारे लिए इतने सपोर्टिव थे या इसमें उनका कोई इंटरेस्ट था? तो इसके लिए दो पॉपुलर व्यूज है जो दो थियोरीज में डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट इज नेशनलिस्ट थियोरी एंड सेकेंड इज सेफ्टी वॉल्व थियोरी। वी विल सी बोथ द थियोरीज वन बाय वन। फर्स्ट इज सेफ्टी वॉल्व थियोरी।
सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है कि कुकर प्रेशर में जो ऊपर की सीटी लगी हुई होती है उसको हम सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। सेफ्टी वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कुकर प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वो फट जाता है। पर सेफ्टी वॉल्व को सीटी हेल्प करती है कि सारा प्रेशर एक ही साइड से रिलीज हो और हमारा खाना पक जाए, हमें कोई नुकसान ना हो। तो ये माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स के लिए एक सिर्फ सेफ्टी वॉल्व थी, क्योंकि इतने ज्यादा ब्रिटिश कैंपेन्स हो रहे थे, एंटी ब्रिटिश कैंपेन्स हो रहे थे, एंटी ब्रिटिश एसोसिएशंस डेवलप हो रही थी हर एक रीजन में, कि ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो गया था उन ऑर्गेनाइजेशंस को संभालना, उन कैंपेन्स को संभालना। ऐसा लग रहा था बस अब ब्रिटिश एम्पायर मानो फट जाएगा। एओ यूम जो एक इंग्लिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, साथ ही साथ एक इंग्लिश पेट्रियट थे, उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया लॉर्ड डफरिन के आगे कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो, वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, हम उनसे बात करके इंडियन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को ठंडा कर दे। जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इंडियंस को तो वो आके अपने लीडर्स को बोलेंगे और हम उनके लीडर्स को कुछ भी इंसेंटिव्स देकर कन्विंस कर देंगे कि वो अपने जाके पॉपुलेशन को कूल डाउन कर दे। तो इससे ना ही कोई रिवोल्यूशन होगा, ना ही हमें कोई परेशानी होगी, और जो हम पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो रिलीज हो जाएगा सारा कांग्रेस के थ्रू। सो द सेफ्टी वॉल्व थियरी, देखा आपने कैसे कांग्रेस को एक सिर्फ कुकर की सीटी माना जाता था। दिस सेफ्टी वॉल्व थियरी वॉज गिवन बाय एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। लाला लाजपत राय ने पहली बार सेफ्टी वॉल्व वर्ड यूज करा कांग्रेस के लिए 1916 में उनकी मैगजीन यंग इंडिया में। उन्होंने बोला कांग्रेस और कुछ नहीं लॉर्ड डफरिन के ब्रेन का एक प्रोडक्ट था। इसका पहला मकसद था ब्रिटिश एम्पायर को सेव करना और दूसरा इसका मकसद था इंडिया में थोड़ी बहुत नेशनलिस्ट एक्टिविटीज क्रिएट करना। नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट थियरी, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइटनिंग कंडक्टर थियोरी और लाइटनिंग रॉड थियरी। इसके अकॉर्डिंग कांग्रेस लीडर्स को एक इंग्लिश मैन की जरूरत थी जो कन्विंस कर सके ब्रिटिश एम्पायर को एक नेशनलिस्ट पार्टी के लिए, एक पैन इंडिया पार्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारी एसोसिएशन डेवलप करी जिसको ब्रिटिशर्स ने रिकोगनाइज नहीं करा, वो ब्रिटिशर्स उन एसोसिएशंस की डिमांड नहीं मानते। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे नेशनलिस्ट ने एओ यूम को यूज किया एज लाइटनिंग कंडक्टर, एज लाइटनिंग रॉड, है ना, जिससे हम अपनी नेशनल पार्टी का फॉर्मेशन इजीली कर सके और हमें कोई हैसल्स ना आए। ठीक है, इनका कहना था कि अगर आपको लगता है हमने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लिया है तो सपोर्ट ही सही, क्योंकि हम खुद से एक नेशनल लेवल पार्टी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे जो हमारे डिमांड्स ब्रिटिशर्स के पास रखे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी यही कहा कि नो इंडियन कुड हैव स्टार्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इफ एन इंडियन हैड कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट सच अ मूवमेंट एम्ब्रेसिंग ऑल द इंडियंस द ऑफिशियल इन इंडिया वुड नॉट हैव अलाउड द मूवमेंट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जरूरी था कि एक इंग्लिश मैन ही है proposal initiate kare. Next is aim and objectives of INC. First is nation building. सबसे main aim था INC का कि इंडिया को एक नेशन में wield करना। इससे पहले हम एक geographical expression थे, हम एक सिर्फ एरिया थे, हमारे लोगों में यूनाइटेड फीलिंग नहीं थी, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे वर्क करके वो नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे इंडियंस में डाली। सेकेंड, पैन इंडिया लीडरशिप प्रोवाइड करी, ऐसे लीडर्स प्रोवाइड करे जिसको पूरे इंडिया में माना जाता था। थर्ड, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करी। फोर्थ, हमारी डिमांड्स, इंडियंस की डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के आगे। इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कन्वर्स कर सकते थे, अपनी बातें, अपनी डिमांड्स, अपनी नाराजगी, अपने प्रोटेस्ट दिखा सकते थे। मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग ऑफ आईएनसी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड किए गए आईएनसी के वर्क करने के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, तो आईएनसी के भी कुछ रूल्स थे। पहला ये था कि हर एक साल एक सेशन होगा, उस सेशन में सारे मेंबर्स मिलके अगले साल का प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे।
जो प्रेसिडेंट बनेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी भी सेशन नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ, रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बेस्ड ऑन डिस्कशन ऑन नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होगा और उनके बेस पर कुछ रेजोल्यूशन पास होंगे हर एक साल। उन रेजोल्यूशन पे वर्क करना ही INC का मेन एम होगा। फिफ्थ इज, अर्ली कांग्रेसमैन बिलीव इन द मेथड ऑफ PPP। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो पहले नेशनलिस्ट थे वो मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स का मतलब वो ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते थे इंडिया के लिए। वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे गॉडफादर्स हैं, वो हमारे पर रूल हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं और अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे तो वो जरूर पूरा करेंगे। हम उनसे तीन तरीके से कुछ भी मांग सकते हैं। पहला था प्रेयर करके, हम प्रेयर करके उनसे बोल सकते हैं कि हमारी ये डिमांड्स है। दूसरा पेटिशंस, हम उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, लीगली उनसे बात कर सकते हैं। तीसरा प्रोटेस्ट, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवा सकते हैं, जैसे कि आज हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से करते हैं। तो इन तीनों वेज से उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवा लेंगे। दिस वॉज द इनिशियल मेथोडोलॉजी ऑफ INC। वी आर डन विद INC, वी आर डन विद हु वर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर INC, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग ऑफ INC, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC एंड टू थियोरीज। सो आई होप now your all the queries about INC are solved. If you like my lecture, do comment in the comment section. If you have any suggestions and queries, do let me know. Till then, be happy, stay at home, goodbye.